लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। कांकेर लोकसभा अंतर्गत बालोद जिले के तीनों विधानसभा में कार्यकर्ताओं को चार्ज करने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और लोकसभा प्रत्याशी वीरेश ठाकुर कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बालोद जिले के तीनों विधानसभा में विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी ऐतिहासिक बढ़त बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान दीपक बैज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस चुनावी दौर में लोगों के बीच जिन मुद्दों को लेकर जाना है उस पर भी फोकस किया। इस दौरान जिले के तीनों विधानसभा के विधायक जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद। आज जिला स्तरीय बैठक बालोद में रखा गया था, जिसमें हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय वीरेश ठाकुर जी उपस्थित रहे और साथ में हमारे तीनों MLS, हमारे कोऑर्डिनेटर संतराम नेताम जी, राजेश तिवारी जी, AICC सेक्रेटरी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बालोद जिले में बैठक रखा गया, जिसमें तमाम जिले स्तर के हमारे वरिष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे और आने वाला लोकसभा चुनाव को देखते हुए विशेष रणनीतियां बनी और इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, ताकि आने वाला 26 तारीख को 26 तारीख से पहले सभी हमारे कार्यकर्ता मतदाता तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से इस समय हम कांकेर लोकसभा सीट जीतेंगे। आज आए हुए हैं, उन्होंने दावा किया है कि जगदलपुर में जैसा नगर सरकार का परिवर्तन हुआ है, ऐसे कई संकेत कई जिलों में और मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को डराने का, धमकाने का, प्रलोभन लालच देने का काम कर अपने पाले में काम करे। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का टारगेट अगर रखी है तो डर किस बात का, मैं पूछना चाहता हूँ, डर किस बात का? तो क्यों विपक्ष के नेताओं डराने और धमकाने का और लालच दे के लाने का प्रयास कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में पूरी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ में पूरी तरह से डरी हुई है। इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी सांसद हम जीता के ले जाएंगे। शराब में 10% की वृद्धि हुई है आज। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ शराब की ही नहीं, आज मोदी सॉरी आज 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। नंबर एक, 10% वृद्धि मतलब सीधा सीधा ये है कि शराब में 150 रुपये का वृद्धि की है, मतलब सीधा छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर शराब में अवैध वसूली का धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम करे। शराबबंदी के नाम से 150 रुपये बढ़ाकर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, रजिस्ट्री शुल्क हमारी सरकार ने 30% कटौती की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के ही दिन उस कटौती को इन्होंने बंद कर दिया, मतलब 30% सीधा सीधा गरीब और मध्यम परिवार के ऊपर बोझ बनने जा रही है। तो इस तरह से आज के ही दिन 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के दिन छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है।